एक हाथ में टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन और दूसरे हाथ में मैग्नीफाइंग लेंस यानी कि सूक्ष्मदर्शी। ये दोनों चीजें हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर हरीश रावत के हाथों में। हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, पर इन्हें आखिरकार टेलीस्कोप और लेंस की जरूरत क्यों पड़ गई? दरअसल हरीश रावत उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक कार्यक्रम में पहुंचे और यहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हल्के फुल्के अंदाज में सवाल के साथ ही तंज कसा। हरीश रावत ने कहा कि वो इस टेलीस्कोप और लेंस से विकास खोज रहे हैं, जिसको लाने का वादा पीएम मोदी ने 4 साल पहले किया था। हरीश रावत का कहना है कि विकास न देश में दिख रहा है न ही उत्तराखंड में, जिसे अब खोजना बेहद जरूरी हो गया है। इसके अलावा हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी ने केदारनाथ धाम जैसी पवित्र जगह में लेजर शो से शिव महिमा दिखाने का ढोंग किया, जहां शिव जीवंत रूप में मौजूद हैं। यही कारण रहा कि लेजर शो फ्लॉप हो गया। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, हल्द्वानी।